वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर, कि कोई भी टाइम जब आपको कंप्यूटर यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, इसका क्यू कार्ड वर्जन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, गो एंड वॉच। सो लेट सी द फॉलोअप्स क्वेश्चंस फॉर दिस क्यू कार्ड। सो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर, कि लोग कंप्यूटर्स किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज, कि एज टू एज बहुत डिफ़र करता है ये चीज़। इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, कि अगर बच्चों की बात करूँ, दे यूज़ द कंप्यूटर टू प्ले गेम्स फॉर देयर स्टडी पर्पसेस एज वेल एज टू वॉच कार्टून्स। तो बच्चे क्या है, गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, अपने स्टडी पर्पस के लिए और कार्टून्स देखने के लिए। On the other hand, youngsters prefer to use computers for making assignments during working hours, कि जब वो वर्क कर रहे हैं उस टाइम वो अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, as well as to stay connected with their friends and family members through social media। और सोशल मीडिया को जब यूज़ करते हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को। Aside from that, older people use computers only to watch some videos। अगर ओल्डर पीपल की बात की जाए तो वो तो सिर्फ कंप्यूटर्स कुछ वीडियोस देखने के लिए या मूवीज़ देखने के लिए ही यूज़ करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज़ कंप्यूटर्स एट स्कूल, क्या बच्चों को अलाउड होना चाहिए कि वो स्कूल में कंप्यूटर्स को यूज़ करें। विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, बिना किसी डाउट के स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू यूज़ कंप्यूटर्स एट स्कूल, कि उनको अलाउड होना चाहिए कि वो कंप्यूटर्स को स्कूल में यूज़ करें। बिकॉज इट हैज़ बिकम अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ देयर स्टडीज़, क्योंकि ये एक उनकी स्टडी का बहुत ज़रूरी पार्ट बन गया है। मोर ओवर लर्निंग कंप्यूटर्स एट स्कूल हेल्प्स देम लर्न थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे, और साथ में ही अगर वो कंप्यूटर से सीख रहे हैं स्कूल में तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। एंड इन दिस टेक्निकल एरा, और जो आजकल हर कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से काम कर रहा है, एवरी वर्क इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, हर काम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। सो कंप्यूटर्स मेक देम मोर एडवांस, तो कंप्यूटर सीखने से वो ज़्यादा एडवांस बनेंगे, एज वेल एज ओपन द डोर टू वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और साथ में अगर उनको कंप्यूटर आता होगा, कंप्यूटर सीखेंगे तो उनको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होंगी। सो लेट सी, ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय सेप्टेम्बर टू डिसम्बर 2023 स्पीकिंग PDF, दैट इंक्लूड्स लेटेस्ट क्यू कार्ड्स, फॉलोअप्स एज वेल एज द लेटेस्ट इंट्रो टॉपिक्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको ये परचेज करनी है सो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट एवरी वीडियो एवरी पोस्ट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल हु आर एडिक्टेड टू प्लेइंग कंप्यूटर्स, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो कि जो बहुत ना कंप्यूटर्स पे गेम खेलने के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, उनको आदत हो गई है। यस, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडिक्शन टू प्लेइंग कंप्यूटर्स हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, किसके भी दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, की अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, बाई प्लेइंग कंप्यूटर्स, बाई की अगर कंप्यूटर्स में खेल रहे हैं वो, दे कैन एनहेंस देयर नॉलेज रिगार्डिंग द कंप्यूटर पार्ट्स, तो उनकी नॉलेज एनहेंस होगी कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, एज वेल एज हेल्प देम टू स्पेंड देयर लेजर टाइम इन अ प्रॉपर वे, और साथ में उनका फ्री टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। मोर ओवर इट ऑल्सो शार्पन्स देयर मेमोरी, और साथ में उनसे उनकी मेमोरी भी शार्प होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर नेगेटिव साइड की बात की जाए, इट अफेक्ट्स देयर आई साइट एंड लीड्स टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, बैकएक एंड ओबेसिटी, कि ये उनकी आई साइट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, और साथ में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं लाइक हेड एक्स, बैक एक्स एंड ओबेसिटी। असाइड फ्राम दैट, और इसके अलावा, इट ऑल्सो लोअर्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और साथ में जो उनका स्टडी की परफॉर्मेंस है उसको भी लो करती है, एंड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मतलब गेम्स ज़्यादा खेलेंगे
तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो हो जाएगी. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक कंप्यूटर्स मेक अवर लाइफ सिंपलर और मोर कॉम्प्लेक्स? कि आपको क्या लगता है कि जो कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ ईजी बनाई है या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई है? एज एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड, कि जैसे हर चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ करना तो बैड ही होता है. आई वुड से कंप्यूटर्स मेक अवर लाइफ सिंपलर इफ़ वी यूज़ देम इन अ पर्टिकुलर वे. कि कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया अगर हम उनको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, एज इन लिमिट्स, और लिमिट्स में यूज़ कर सकें. बिकॉज दे ऑफर अ प्लेथरा ऑफ सर्विसेज फॉर द यूज़र्स, क्योंकि वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, लाइक कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन एन ईजी वे, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेकिंग असाइनमेंट्स टू डिफरेंट टूल्स और असाइनमेंट्स बनाना. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू यूज़ देम एक्सेसिवली, कि अगर उनका हम लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे, इट हार्म्स ह्यूमन बींग्स मेंटली एज वेल एज फिज़िकली. तो इससे क्या हो सकता है कि जो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ है वो मेंटली और फिज़िकली दोनों को हार्म करेगी. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल ऑफन हैव प्रॉब्लम्स व्हेन यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स? कि लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं जब वो न्यू प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं? देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, कि इसके बहुत सारे रीजन्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लैक ऑफ नॉलेज. सबसे पहले तो है कि नॉलेज की कमी होना, कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती. व्हेन पीपल बाई न्यू प्रोडक्ट्स दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ देम. जब वो न्यू प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि इनको कैसे यूज़ करना है, विच थिंग्स आर सुटेबल और नॉट, कि उनको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इज़ देयर एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट और नॉट. कि जो भी वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उनका उनकी स्किन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा. मोर ओवर दे आर यूजिंग इट ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम, और साथ में ही अगर वो उस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, दे डू नॉट नो हाउ दिस प्रोडक्ट विल रिएक्ट टू देअर बॉडीज़. कि उनको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट उनकी बॉडीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. सो समटाइम्स दे फेस सम इशूज़, तो इसलिए कई बार उनको बहुत सारे इशूज़ भी फेस करने पड़ते हैं, लाइक स्किन एलर्जीज. असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, फेक एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो आ रीज़न टू फेस प्रॉब्लम. और साथ में फेक एडवर्टीजमेंट भी एक प्रॉपर रीज़न है इसका, कि लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एज दे डू नॉट प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. क्योंकि वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट के रियल इन्ग्रीडियंट्स डिस्प्ले नहीं करते, रियलिटी नहीं रिवील करते. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you want a video on specific topic, then you can comment down also. I will try my best to provide you as soon as possible.